Hi guys, what's up? My name is Harshit Behel. Welcome to the third episode of Being Unconventional. Today we'll discuss about an action plan and in the end we'll make an action plan. To jin logon ko productive hone ka thoda sa bhi matlab man se aata ki mujhe productive hona hai, wo log ye episode dekhna, baki sare yahan se chale. खत्म हो जाएगा और ये 14 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नीड टू प्लान योर सेल्फ. 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हम लोगों ने बहुत आलस करा है, इतना आराम करा है कि अब तो हम आराम कर करके भी बोर हो गए. नेटफ्लिक्स प्राइम हॉटस्टार प्रीमियम पे हम लोगों ने सारे सीरीज सारी मूवीज देख ली. नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग टू वॉच बट नाउ इट्स द टाइम टू गेट डाउन ऑन द रियल स्टफ. मेरे को नहीं पता है लॉकडाउन कितने दिन के बाद खत्म होगा, बट जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा द स्पीड द पेस विच यू आर यूज टू कि वर्ल्ड इस स्पीड पे ऑपरेट करता है द वर्ल्ड विल डबल अप इट स्पीड क्योंकि एवरीबडी वुड ट्राई टू डबल अप फ्रॉम द लॉसेस विच दे हैव मेड इन दिस लॉकडाउन वाला पीरियड. दैट्स हाउ बिजनेस वर्क्स. एंड यू विल वेक अप वन डे एंड ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल योर वर्क्स विल बी थ्रोन ऑन योर शोल्डर्स. मतलब आपका आपका कॉलेज जाने का टाइम, आपके स्कूल जाने का टाइम, राइट, और असाइनमेंट्स, एंट्रेंस की क्लासेस, ट्यूशंस, फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्लान, सब कुछ एक साथ में सामने आ जाएगा. एंड इफ यू डोंट प्लान योरसेल्फ एंड यू डोंट हैव एन एक्शन प्लान राइट नाउ यू विल गेट हिट प्रीटी हार्ड बाय लाइफ. सो और जिस तरीके से हम लोग अभी चल रहे हैं ना, 3 AM इज द 4 AM इज द न्यू 12 AM, राइट. आई होप आई सेट इट राइट. ठीक है, तो 3 AM इज द न्यू 12 AM वाला शिट. दैट वॉन्ट हेल्प यू, दैट विल रूइन यू कम्प्लीटली वंस यू वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर. वो कूल बनने के लिए बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, बट दैट वॉन्ट हेल्प यू. सो इस एपिसोड में मैं आप लोगों को स्टेप्स बताऊंगा जिससे वी कैन गेट मोर प्रोडक्टिव एंड आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 parts. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव आवर स्लीपिंग पैटर्न्स. थर्ड वील क्लियर आर माइंड ऑफ ऑल द थॉट्स विच वी हैव क्योंकि लोग बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं इस पीरियड के अंदर. एंड थर्ड वील मेक एन एक्शन प्लान. स्लीपिंग पैटर्न, अभी हम क्या कर रहे हैं, रोज रात को 3 बजे सोना, रोज सुबह 2 बजे उठना, दिस वॉन्ट हेल्प यू जब आपका कॉलेज जाना शुरू हो जाएगा या फिर जब आपका स्कूल शुरू होना शुरू हो जाएगा. अगेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव कि हमें रोज सुबह कॉलेज जाना है, वी हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे. और before you start texting me or before you start commenting कि अरे जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, राइट, मैं जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा 15 अप्रैल, आफ्टर दैट आई विल सॉर्ट दिस आउट. सो लेट मी टेल यू दिस विल नॉट हैपन. ये ओवर कॉन्फिडेंस और कॉकीनेस जरा दरवाजे से बाहर फेंक दो बिकॉज आई विल टेल यू वाई दिस विल नॉट हैपन. हर आदत को सेट होने में मिनिमम 3 दिन लगते हैं, राइट. सो आफ्टर 15 अप्रैल इफ यू स्टार्ट, पहले 3 दिन तो तुम उठोगे नहीं, और 2 दिन अगर 5 दिन वर्किंग होते हैं और 2 दिन अगर मम्मा पापा ने जबरदस्ती उठा भी दिया, यू विल गो टू योर कॉलेज, यू विल गो टू योर स्कूल, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लासेस विथ फुल अटेंटिवनेस, यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव कि क्या हो रहा है क्लास में. सो फर्स्ट स्टेप इज कि आज रात से जब भी आप ये एपिसोड देखो उस रात से अपने स्लीपिंग पैटर्न पे काम करना शुरू करो. अगर आप 3 बजे सोते हो ट्राई टू गो टू बेड बाय 11 और 11:30 बिकॉज पहले 3 दिन तो तुम्हें इस टाइम पे नींद ही नहीं आएगी बिकॉज यू आर यूज टू गोइंग टू स्लीप एट 3 o'clock और 4 o'clock. सो ट्राई टू गेट योर स्लीपिंग पैटर्न इन प्लेस. रोज ट्राई करो 1-1 घंटा जल्दी सोने का ट्राई करो बिकॉज दिस विल हेल्प यू, दिस विल मेक यू मोर एंड मोर प्रोडक्टिव. एंड प्लीज 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 दिन में मत सोना, दिन में सोते हैं तो रात को नींद नहीं आती, एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता है. तो ट्राई करो कि 4-3 बजे से पहले सोना शुरू कर दो. 11-12 बजे गो टू बेड एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर स्लीपिंग पैटर्न रेगुलरली एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे. सो थर्ड पार्ट इज क्लियरिंग योर माइंड ऑफ एवरी डिफरेंट थॉट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, इन दिनों हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें डिसाइड करी होंगी जो हम लोगों को करनी है या हम लोगों ने करनी थी, बट द पॉइंट इज नथिंग इज दैट मच क्लियर इन आवर माइंड. एवरीथिंग इस मतलब सब कुछ बहुत कन्फ्यूजन के अंदर चल रहा है. सो वॉट आई वॉन्ट टू डू इज आई वॉन्ट टू राइट एवरीथिंग डाउन.
टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट एवरीथिंग विच यू वॉन्टेड टू डू, एंड प्लीज उसके अंदर मूवीज और नेटफ्लिक्स के नाम मत लिखना कि मुझे ये चीजें देखनी है, राइट राइट द वर्क विच यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज आफ्टर दिस 15 days एवरीबडी विल ट्राई टू होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर वॉट यू डिड इन दिस लॉकडाउन का 21 days. योर पेरेंट्स, योर प्रोफेसर्स, योर टीचर्स, एवरीबडी विल आस्क यू कि भाई साहब इन दिनों आराम के अलावा आपने क्या करा है. एंड यू नो वॉट विल हैपन, एक दिन के अंदर आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे इफ यू हैवंट कंप्लीटेड देम, सारी डेडलाइंस आ जाएंगी. एक हफ्ता मिलेगा, यू विल हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, टोटल डिजास्टर, पैनिक, एंग्जाइटी इकट्ठे मिलेगा, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, वाट लग जाएगी सबकी. सो प्लीज डोंट डू इट. एंड टू द स्टूडेंट्स, दोज हू आर इन द ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ 2020, सारे एंट्रेंस की डेट विद इन 3 days रिलीज हो जाएंगी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा. तैयारी नहीं हुई होगी फिर मंजीरे बजाना बैठ के, और कोई बहाने भी नहीं सुनेगा कि तुम्हारी तैयारी क्यों नहीं थी, बिकॉज यू सपोज टू डू इट राइट नाउ. नाउ जो थर्ड और फाइनल पॉइंट आता है, दैट इज मेकिंग एन एक्शन प्लान. तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना एक्शन प्लान कैसे बनाना है, एंड हाउ यू हैव टू मेक ईच एंड एवरी डे प्रोडक्टिव. सो फर्स्टली यू नीड टू पिक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन योर कोर एक्टिविटीज. आपकी कोर एक्टिविटीज के अंदर ऐसे काम आते हैं जो आपको हर हाल में कंप्लीट करने ही करने हैं. आपका कॉलेज का काम, आपका स्कूल का काम, मे बी योर होमवर्क या फिर एंट्रेंस की प्रेपरेशन. आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, बट स्कूल के दोस्तों के साथ, कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमना एंड प्लान बनाना इज नॉट योर कोर एक्टिविटी, राइट? वो हम बाद में करेंगे जब हमारे पास लेजर टाइम होगा. सो यू नीड टू टेक अ पीस ऑफ पेपर, अपनी सारी कोर एक्टिविटीज उसके ऊपर लिखो. ट्राई करो दिन का 2 घंटा इन कोर एक्टिविटीज को देने का, एंड आफ्टर एवरी 2 days इंक्रीज 1 hour, राइट? फिर आपने एक और कॉलम बनाना है, उस पर आपने लिखना है साइड एक्टिविटीज. इन योर साइड एक्टिविटीज आपका पैशन आएगा, मे बी आपका कोई इंटरेस्ट जो आप इन दिन परस्यू कर रहे हो या परस्यू करना चाहते हो, कोई इंस्टाग्राम पेज बनाना, आपको अपने राइटअप्स लिखने हैं, या फिर सम अदर वर्क, आप वो काम उस कॉलम के अंदर लिखोगे. अगेन आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, बट दोस्तों के साथ लूडो खेलना और गेम खेलना और नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखना इज नॉट योर साइड एक्टिविटीज, दैट इज अगेन योर लेजर एक्टिविटीज, राइट? आपने इन साइड एक्टिविटीज को भी 2-2 घंटे ईच डे देने हैं, एंड आफ्टर एवरी 2 days इंक्रीज 1 hour, राइट? जैसे अगर आपने आज शुरू करा है तो 2 days के लिए आप 2-2 घंटे दोगे, एंड फ्रॉम द 3rd day यू विल गिव 3 hours, फिर उसके बाद 4th-5th day 3 hours 3 hours, देन 4 hours. जिन लोगों की साइड एक्टिविटीज और कोर एक्टिविटीज सेम है, मतलब उनका पैशन ही उनका काम है, विच इज वेरी गुड, 4 घंटे दो, और हर 2 दिन बाद 2-2 घंटे इंक्रीज करो. दिस विल इंक्रीज योर प्रोडक्ट, ये एक आपको स्ट्रक्चर में डालेगा, ये एक आपको थॉट में डालेगा कि मेरे को करना क्या है. एवरीथिंग विल बिकम मोर स्ट्रीमलाइंड इन दीज 15 days, राइट? और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना हर डे प्रोडक्टिव कैसे करना है. रात को सोने से पहले टेक अ पीस ऑफ पेपर, अनदर पीस ऑफ पेपर, एंड राइट डाउन द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू डू द नेक्स्ट मॉर्निंग. आई टेल यू वाई, बिकॉज एवरी मॉर्निंग वेन वी वेक अप, ईदर 1 hour और 2 hour गेट्स वेस्टेड इन टू थिंकिंग कि यार मैं आज क्या करूँगा, ठीक है? तो ये थिंकिंग आपको सोचने में, आपको ये अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए रात को सोच के सो, एक पेपर पे लिख के सो कि मैं ये करूँगा. जितने टास्क आप सोच सकते हो आप कर सकते हो, उससे दो ज़्यादा लिखना, बिकॉज इट विल कीप यू ऑन योर टोस, और आप अपने आप को पुश कर पाओगे कि मेरा एक और काम रहता है, एक और काम रहता है. हाँ, डे एंड में अगर 1 or 2 काम रह जाते हैं तो आप उसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर सकते हो, बट इसको प्लीज करना. एक आपको अपना एक्शन प्लान बनाना है कोर एक्टिविटीज एंड साइड एक्टिविटीज का, और फिर आपको रोज रात को एक लिस्ट बनानी है कि आप अगली सुबह क्या करोगे. इसके बाद जो टाइम बचता है उसमें जो करना है करो, राइट? बट ये चीजें आपको बिल्कुल करनी है हर हाल में. द पॉइंट इज, हम सब बहुत डिल्यूजन में जी रहे हैं कि इसके बाद एवरीथिंग विल गो हंकी डोरी. लेट मी टेल यू, इट विल नॉट. सब कुछ एकदम से हमारे ऊपर आ जाएगा, और कुछ लोग अभी भी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये चीज कंप्लीटली आपकी सोच पे और आपकी नियत पे डिपेंड करती है कि तुम ये डेट डू यू वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव और नॉट, डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर लाइफ और नॉट, राइट? जिनको अभी भी आलस करना है वो कर सकते हैं. मैंने स्टार्टिंग में बोला था टॉप राइट कॉर्नर में क्रॉस का बटन है, वो दबा दो. पॉडकास्ट सुनने की कोई जरूरत नहीं है इफ यू डोंट वॉन्ट टू मूव योर एसेस, राइट? एंड जो लोग सही में प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, मैं एक बार ही एक्शन प्लान जैसे मैं बनाता हूँ उसका लेआउट अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पे डालने का ट्राई करूंगा, राइट? ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे अपने आपको स्ट्रक्चर करना है. अगर 3-4 दिन लेट हो जाता है लेआउट, तो प्लीज उसको एज ए एक्सक्यूज मत लेना कि लेआउट नहीं आया, मैं कैसे बनाऊँ एक्शन प्लान. जैसे बना सकते हो बना लो, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है. कोई भी मतलब धुंधलापन नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को ये करना था, वो करना था, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कोई, राइट?
यू शुड बी मूविंग कि हाँ मेरे को आपको अपना नेक्स्ट मूव पता होना चाहिए. अगेन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, लोगों के साथ लूडो खेलना, स्क्रिबल करना विल नॉट हेल्प यू प्री प्लानिंग योर सेल्फ इन दिस टाइम विल. इन 14 दिन के अंदर जो अपने आपको प्लान करके चलेगा वो सब लोगों से थोड़ी एडवांटेज में रहेगा जब ये चीजें खत्म होगी, राइट. और अभी लिख के ले लो, दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि ऐसा ही होगा, राइट. और जिन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है आफ्टर हियरिंग दिस कि यार आई कंप्लीटली सक, मैंने अपने पिछले दिन वेस्ट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगले 14 डेज 15 डेज आप लोगों के पास अभी भी हैं अपने डेज को प्रोडक्टिव बनाने का. 14 to 15 days आर मोर देन इनफ टू बिकम प्रोडक्टिव एंड सॉर्ट एवरीथिंग आउट इन योर लाइफ. बट लूडो खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए, नेटफ्लिक्स यूज करने के लिए 100 दिन भी कम है, राइट. तो प्लीज फॉलो दिस टिप्स, राइट. फर्स्ट अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करो. सेकेंड, क्लियर योर माइंड ऑफ एनी रबिश थॉट्स दैट यू हैव. एंड थर्ड, अपना एक्शन प्लान बनाओ बिकॉज यू नीड इट. मैं भी बनाता हूँ, सब बनाते हैं. और अगेन आई एम सेइंग दिस, जो लोग अभी इन 14 डेज के अंदर अपनी कोर एक्टिविटीज, अपनी साइड एक्टिविटीज अपने आपको प्लान करके चलेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, वो लोग ये सब खत्म होने के बाद सबसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज पर रहेंगे. सो दिस, और लास्ट थिंग, अगर आप अपना एक्शन प्लान बनाओ, अगर आप अपना रोज रात की वो बना रहे हो, स्लिप बना रहे हो, आप लिख रहे हो कि मुझे ये करना है, उसकी प्लीज फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालना, राइट. और मेरे को और शेल्फीबुक को जरूर टैग करना एंड एक हैशटैग लिख देना, #15daychallenge, #beingproductive, एंड वी विल गिव यू अ शाउट आउट कि आप लोग ये चीज कर रहे हो. एंड इट विल मेक मी रियली हैप्पी कि मैंने आप लोगों को चीज बताई और वो आप लोगों को हेल्प कर रही है, बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस एंड इट हैज हेल्प मी टू बी प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा, राइट. तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर ये चीज़ आपकी भी हेल्प करेगी. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ बींग अनकन्वेंशनल. आई होप यू गाइस लाइक इट. प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना यार. अभी भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड डू शेयर दिस. बाकी लोगों को भी बताओ ताकि बाकी लोग भी अपने आप को फिगर आउट करें, अपना एक प्लान बनाएं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.